अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो यखनी पुलाव है। मेरे तरीके से मैं किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा बनता है, मज़े का। और मटन में मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, ये मटन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने प्याज मैंने तेल डाला है पहले, और इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। ठीक है, प्याज कट कर ली है मैंने। चलेंगे मैं आपको बताती हूँ जब तक मेरी प्याज हो रही है। सही है, मैं निकाल लूँगी थोड़ी प्याज गार्निश के लिए। और मैंने क्या किया है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरा यखनी मैंने जो है वो बॉईल कर ली थी गोश्त के साथ। रात ही मैं बॉईल करके रख दी थी, जब मुझे सुबह बनाना होता है तो वक्त की बचत के लिहाज से मैं यखनी बना के रखती हूँ। स्टॉक मैंने इस तरह बनाया है, मटन के साथ मैंने चढ़ा दिया था। इसके अंदर एक टेबल स्पून सौंफ, एक टेबल स्पून साबुत धनिया, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला था क्योंकि मैं बीबी डालूँगी इसमें भी। और मैंने उसके साथ अदरक का पूरा एक पीस, और एक लहसुन का पूरा जौ के साथ, और एक प्याज, ये सब डाल के आप चढ़ा दें अपनी यखनी। ठीक है, ये देखें, ठीक है यखनी चढ़ा दी आपने। अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है गरम मसाला साबुत पड़ेगा इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ेगा, दही, मिर्चें हरी, नमक, बस ये चीज़ें जाएंगी। और फिर भुनेगा ये गोश्त जो मटन है वो मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बता दूँ जी। व्यूअर्स ये देखें मैंने प्याज गार्निश के लिए निकाल दी थी, थोड़ी प्याज मैंने इसमें छोड़ दी थी थोड़ा जायके के लिए। अच्छा ये मैं गरम मसाला डाल दिया मैंने, साबुत गरम मसाला, तेज़पात है, इलायची है, सब गरम मसाला डाला। ठीक है, ये थोड़ा सा खुशबू देने लगे तो मैं बता दूँ मैं क्या डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, मेरा मटन मैंने डाल दिया पका हुआ है, मैंने बताया था जैसे आपको यखनी की तरकीब मैंने बता दी है। मैंने रात में यखनी डम करके रख ली थी, एक दिन पहले यखनी बॉईल करके रखने तो सहूलत रहती है, ज़ाहिर मटन है तो इसमें टाइम लगता है, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं क्या डालूँगी, दो चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है तकरीबन दो चम्मच दही डालूँगी। ठीक है, दही तीन चम्मच डाल दें, दो से तीन चम्मच, मैं तीन चम्मच डाल दूँ आज। मैं थोड़ी तेज़ करूँगी अब। ठीक है, अब इसमें भुनेंगे, ठीक है आपको भूनना है इसको गोश्त को अच्छे से ताकि स्मेल चली जाए सारी इसकी जो स्मेल है गोश्त की। वैसे तो यखनी में भी अदरक लहसुन मैंने डाला था, मैंने आपको बताया था एक प्याज डाली थी, अदरक लहसुन डाली थी, डाला था। और ये देखें हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, जितनी आपको खानी हो। ये तो बहुत मज़े का पुलाव बनता है, यखनी पुलाव है ये। ठीक है, बस ये डालना है। अब स्टॉक जो है मेरा तैयार है, अब मैं जो ये थोड़ा सा मैं भूनूंगी, उसके बाद जो है स्टॉक डाल के और मैं चावल डाल दूंगी। जो स्टॉक है उसी में चावल को गलाएं, एक्स्ट्रा पानी नहीं डलेगा। ठीक है, तो मज़ा उसी का आएगा। अब मैं ये थोड़ा भून लूँगी और इसमें कुछ नहीं डलेगा, लेकिन मैं एक और पुलाव भी बनाती हूँ जिसके अंदर मैं टमाटर ऐड करती हूँ, टमाटर और साबुत मिर्च, वो भी बहुत अच्छा बनता है, डिफरेंट बनता है। ठीक है, तो बस मैं स्टॉक डालूंगी और चावल डालूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे किया है, और प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी कैसे बने हैं मेरी यखनी पुलाव। ज़रूर ट्राई करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, इंशाल्लाह आपको अगर पसंद आए तो। अल्लाह हाफिज़। देखें ये व्यूअर्स, मेरा जो है मैंने मटन जो है ये मैंने भून लिया है अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, आपके चावल ऐड होंगे इसके अंदर, बस अब कुछ भी नहीं करना, चावल ऐड कर दूँगी मैं। और मैंने जो स्टॉक बनाया था मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूंगी, और या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप ज़रूर स्टॉक भी बता दूंगी किस तरह बनता है। ठीक है, स्टॉक आप डाल दिया आपने, स्टॉक को यूज़ करेंगे आप। और अब मैं इस पोजीशन पे जो है इसको नमक को चेक करूंगी। ठीक है, नमक चेक कर ले मेरा, मैंने चेक कर लिया था बिल्कुल सही है ये नमक, आप चेक कर लें इस पोजीशन पर आके, क्योंकि नमक आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें तो कम था यखनी में कम था। ठीक है, तो आप थोड़ा नमक और डाल दें। अब मेरा जो है यखनी मैंने डाल दी है, अब मैं इसको ढक दूंगी। अब तैयार जैसे चावल होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रेजेंटेशन करके कि मेरे कैसे चावल तैयार हों। ज़रूर ट्राई करिएगा, और सजेस्टेड ये कि एक दिन पहले यखनी बना के रखें तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। ये तजुर्बे की बुनियाद पर बता रही हूँ, क्योंकि बना बना के इंसान को आइडिया होता है, जब भी मटन पुलाव बनाना हो एक दिन पहले यखनी बना लें, उसका इन्हेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा जायका। जी व्यूअर्स, आप जो है देखें मेरा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैंने चटनी बनाई है लहसुन की, ये रायता बनाया है, एक एक चावल आपको नज़र आ रहे होंगे।
अलग अलग एक एक चावल हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी मेरी, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी, और आने वाली और वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और एक दिन पहले मैंने जो है ना यखनी बॉईल कर ली थी, मैंने आपको बताई ये बात, एक दिन पहले करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है टेस्ट और बहुत मज़े की बनती है। आई होप आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।